डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास सिक्स का अनुपम सोशल साइंस चैप्टर सेवन है और इसमें दिया हुआ है द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर के बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले अलेक्जेंडर, जिसको कि सिकंदर कहा जाता है, जब वो हमारे देश में आया था तो फिर उसने जो है पोरस को हराया था। तो डिफीट ऑफ किंग पोरस को उसने हराया था, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। कहीं कहीं यहाँ ऐसा भी बताया गया है, बुक्स में बताया नहीं गया है, लेकिन वीडियोस वगैरह बने हुए हैं कि अलेक्जेंडर ने पोरस को नहीं हराया था। ये हिस्ट्रियंस जो है, इतिहासकारों ने इस तरह का गलत इसमें बताया गया है। इसका आगे दिया हुआ है, उसके बाद अलेक्जेंडर का जब अंत होता है तो उसका एक सेनापति रहता है सेल्यूकस, वो शासन करने की इच्छा जताता है, लेकिन तब तक चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने शक्ति में आ जाता है और इसको हरा देता है। लेकिन इसकी बेटी से उसका शादी हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य को लीड करने वाला जो रहता है वो रहता है कौटिल्या, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे उसका पिक्चर दिया हुआ है और कई सारे राज्यों को वो जीत लेता है, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद जो है उसका पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किंग बिंदुसार इतने समय तक 298 से 273 BC तक रहता है। उसके बाद जो है एक महान राजा हुआ जिसके बारे में बताया गया, तो अशोका के बारे में, क्योंकि अशोका को महान कहा जाता है, तो उसका पुत्र था और उतने समय से 273 से 232 BC तक जो है राजा अशोक राज करता है। और वह अपने अंतिम समय में जब कलिंगा पे वार करता है उस समय से वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है और फिर युद्ध करने के लिए छोड़ देता है। इस तरह की स्टोरी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अशोक के बारे में यहाँ पे जो बौद्ध धर्म से संबंधित बातें दी हुई है यहाँ पे दिया हुआ है, उसने किस तरह से उसमें क्या 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 काम किया था। उसके बाद अशोका ने क्या क्या बनवाए थे इससे संबंधित चीज़ें दिया हुआ है, पिलर्स के बारे में दिया हुआ है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन जितने हैं वो सारे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है नेशनल एम्बलम हम लोग का बना हुआ है, जो कि अशोका के सारनाथ पिलर से मिला हुआ था। उसके बाद सांची स्तूप में इस तरह से मिला हुआ है, जो हॉर्स का और बुल का पिक्चर बना हुआ है सांची स्तूप में, ये मिला हुआ है जो कि रामपुरवा इन बिहार में है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें दिया हुआ है जिससे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद फाइनली जो है यहाँ पे मौर्यन साम्राज्य का पतन हो जाता है, द एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो फाइनली अशोका के बाद एक और व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है बद्रीनाथ, तो उसके अंत के साथ ही मौर्यन साम्राज्य समाप्त हो जाता है। और फाइनली जो है यहाँ पे समरी आप पढ़ सकते हैं, इस चैप्टर का जो समरी दिया हुआ है सारांश में इसका स्टोरी दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो जाता है, ये है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट में दिया हुआ है द नेम बाय विच अशोका वाज यूजुअली नॉन वाज, अशोका को सामान्य तौर पर इस नाम से भी जानते थे क्या, देवनाम प्रिया यहाँ पे सी नंबर में टिक लगा हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर में, दूसरा नंबर में जो है द स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर अशोकास एडिक्ट्स इंस्ट्रक्शंस वाज, शिलालेख वो जो है पत्थरों में लिखवाया करते थे, तो उसको कौन से लैंग्वेज, कौन सा स्क्रिप्ट यूज होता था, कौन सा लिपि यूज होता था, तो ब्राह्मी यूज होता था, ब्राह्मी लिपि जो है। उसके बाद कौटिल्या हैड बीन ह्यूमिलिटेड बाय, मतलब कौटिल्या का अपमानित किसके द्वारा हुआ था, तो नंदा किंग राजा जो है, पद्मानंद बोलते हैं उसको। उसके बाद द ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्प्रेड मैसेज ऑफ बुद्धा वेयर कॉल्ड, तो जिन लोगों को राजा अशोक ने अपॉइंट किया था, चुना था बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए, उसको प्रचार करने के लिए, उन लोगों को क्या कहा जाता था, धम्मा महामात्रास उन लोगों को कहा जाता था। उसके आगे में दिया हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसको ऑप्शन दिया हुआ है। तो चाणक्य ए लर्न ब्राह्मिन वाज ऑल्सो नोन, मतलब चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता था, कौटिल्या के नाम से जाना जाता था। द ग्रीक किंग सेल्यूकस हैड सेंट डेस एज हिज एम्बेसडर टू द मौर्यन कोर्ट, तो अपने राजदूत के द्वारा मैसेज भेजा गया कहाँ पे, मौर्यन कोर्ट में। तो किनके द्वारा भेजा गया था, मेगास्थनीज, वो एक राइटर भी था मेगास्थनीज। द वार विद द रूलर ऑफ डेस बाउट
कंप्लीट चेंज इन अशोकास लाइफ, कौन से युद्ध के बाद जो है अशोका की ज़िंदगी में पूरी तरह से बदलाव आ गया था, तो कलिंगा वार के बाद जो है उनके जीवन में पूरा बदलाव आ गया था और उन्होंने तलवार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ले ली थी और बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य बिकम द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन डेस्टिनिटी इन, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य डेस्टिनिटी का प्रथम शासक थे, तो किस समय के शासक थे, 324 BC, उस समय से वो शासन कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट में द अशोकन पिलर विल बुल कैपिटल इन एट, तो बुल कैपिटल, बुल का जो मार्क बना हुआ है तो वो कहाँ पे है, तो रामपुरवा इन बिहार, रामपुरवा बिहार, बिहार में एक जगह है रामपुरवा, वहाँ पे ये बुल का जो है पिक्चर बना हुआ है पत्थरों पे, तो उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, इसको हम मैच कर लेते हैं। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट जो है ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज़ करते थे अशोका, कौटिल्या, कौटिल्या को, कौटिल्या ने इस बुक को लिखा है अर्थशास्त्र, कौटिल्या ने लिखा है। उसके बाद नेशनल इम्बलम जो है वो सारनाथ पिलर पे जो चार शेर मिलते हैं वो नेशनल इम्बलम हमारा है। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज इंडिका नाम का एक बुक लिखा है। उसके बाद स्तूपा, तो सांची में स्तूप बनाया गया है इनका बौद्ध गौतम बुद्ध का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया वाज अशोका, इसका आंसर अशोका है। उसके बाद नेम टू इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ द मौर्यन डेस्टिनिटी, मौर्यन डेस्टिनिटी का दो मुख्य रूलर शासक का नाम लिखने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं आप। यहाँ पे जो चिन्ह लगाया हुआ है, टू इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ द मौर्यन डेस्टिनिटी, टू इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ द मौर्यन, चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका, इसमें भी अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आएगा। उसके बाद जो है नेम एनी टू प्लेसेस वेयर द अशोकास पिलर आर फाउंड, तो यहाँ पे सारनाथ तो है ही, इसके अलावा मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर, स्टोन पिलर्स बेस्ट स्पेस ऑफ मौर्यन आर्ट, दिस पिलर्स आर फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया लाइक, मतलब इंडिया के अलग अलग भागों में पाया जाता है ये पिलर जो है, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, सांची हो गया, सारनाथ, अलाहाबाद, तो दो नाम लिखने के लिए कह रहा है, तो आप सांची और सारनाथ लिख सकते हैं इसका आंसर में। यहाँ पे इसका आंसर जो है दो जगह का नाम लिखने के लिए कह रहा है, तो सांची और सारनाथ। उसके बाद व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ द सारनाथ पिलर फॉर मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में सारनाथ पिलर को किस रूप में माना जा रहा है हमारे देश में, तो ये हमारे देश का इम्बलम, नेशनल इम्बलम के रूप में माना जा रहा है। इसका आंसर मैं आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, इस लाइन को आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सिग्निफिकेंस ऑफ द लायन कैपिटल, तो यहाँ पे दिया हुआ है, समरी में आप आ जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द लायन कैपिटल ऑफ द सारनाथ पिलर हैज़ बीन एडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, तो इस लाइन को आप लिखते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ से, फुल स्टॉप के बाद जो शुरू हुआ द लायन कैपिटल और यहाँ पे एम्बलम ऑफ इंडिया, यहाँ तक लिखना है एक सेंटेंस और कंप्लीट हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, नेम द बुक विच मेगास्थनीज रॉट ऑन इंडिया, तो मेगास्थनीज ने इंडिया में जो बुक लिखा था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है इंडिका, इंडिका। उसके बाद ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन इधर भी दिया हुआ है तो इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो पजल दिया हुआ है इसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, आई एम द पोलिटिकल एडवाइज़र ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का पॉलिटिकल एडवाइज़र था, राजनीतिक सलाहकार कौटिल्या, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आई एम द स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा, धर्मा, तो बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए जिनको चूज कर किए थे राजा अशोका ने, तो उसको क्या कहा जाता था, धम्मा महामात्रास। उसके बाद नेक्स्ट, आई एम द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हु सक्सीडेड बिंदुसारा, तो बिंदुसार को जीत के वो राजा बने थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे, कौन थे, अशोका। आई डिफीटेड पोरस इन 326 BC, कि मैंने 326 BC में इसे हराया था, पोरस को हराया था, तो किसने हराया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर ने हराया था, तो अलेक्जेंडर यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि बुक में उस शब्द का यूज़ हुआ है, तो आप अलेक्जेंडर लिख सकते हैं।
उसके बाद आई एम द प्रकृति वर्ड फॉर धर्मा, धर्म के लिए मैं प्रकृति वर्ड हूँ, तो क्या था, धम्मा था, DHAMMA धम्मा। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल में बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।